अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन एयरटॉल 100 mg टैबलेट के बारे में होगी। खसूसी तौर पर यह टैबलेट जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। आज हम जानेंगे इस टैबलेट के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन और जानेंगे कैसे इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम इस टैबलेट की कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। साइक्लोफेनिक इसकी कंपोजिशन है और इस टैबलेट का जेनेरिक काम इंसानी जिस्म में दर्द को कंट्रोल करना है और सोजन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये टैबलेट हाई नून फार्मास्यूटिकल तैयार करती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। अब जानते हैं इस टैबलेट के फ़ायदे और जानते हैं किन किन सूरतों में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस में ये टैबलेट इस्तेमाल होती है और इस बीमारी में ये होता है कि इससे जोड़ों में दर्द महसूस होता है, तो उसके लिए ये टैबलेट इस्तेमाल करना मुफीद है। इसके अलावा ये टैबलेट जोड़ों की सोजन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, इसके लिए भी इंतहाई यूज़फुल टैबलेट है। और ये टैबलेट सर्जरी के बाद होने वाली सोजन के लिए भी इस्तेमाल होती है और ये टैबलेट सर दर्द के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा माहवारी से पहले दर्द के लिए भी इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जा सकता है और इस टैबलेट को कमर के दर्द के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये टैबलेट बुखार में भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके इस्तेमाल करने से बुखार ठीक हो जाएगा। ये थे इस टैबलेट के फ़ायदे। इस टैबलेट का इस्तेमाल हर दर्द के लिए किया जा सकता है। अब जानते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मतली और उल्टी हो सकती है, बद हजमी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, सर का चकराना हो सकता है, ज़ुबान का खुश्क होना हो सकता है, इसके अलावा दस्त का लगना हो सकता है। ये थे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स, जो कि 100 में से किसी एक को ही हो सकते हैं। अब जानते हैं कौन लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैदे के अल्सर वाले मरीज़ इस्तेमाल ना करें, प्रेगनेंसी में इस्तेमाल ना करें, दूध पिलाती माएँ इस्तेमाल ना करें, दिल के मरीज इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा वो लोग जो इस टैबलेट की कंपोजिशन से एलर्जी रखते हों, वो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। अब जानते हैं कैसे इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। 100 mg की ये टैबलेट है और ये दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें, यानी सुबह एक शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरा के बगैर इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।